नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल के श्रृंखला में आज 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2080 नल, शक संवत 1945 शोभकृत, मार्ग शीर्ष मास, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि 3:31 PM तक ही रहेंगे, उपरांत पंचमी तिथि का आगमन हो जाएगा। नक्षत्र रहेंगे पुनर्वसु, जो 4:40 PM तक ही रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के बाद पुष्य नक्षत्र आ जाएगा, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। राशि रहेंगे मिथुन, 10:12 AM तक, उपरांत कर्क राशि का आगमन हो जाएगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:43 AM से लेकर 12:27 PM तक, अमृतकाल 12:06 PM से 3:49 PM तक, सर्वाध सिद्धि योग 6:30 AM से लेकर 4:40 PM तक, राहुकाल 10:18 AM से लेकर 11:38 AM तक, रात्रि राहुकाल 9:58 PM से लेकर 11:38 PM तक। आज गृह आरंभ करने के लिए बड़ा ही सुंदर समय है। कर्ण बेत के लिए यानी कान छेदने के लिए आज बड़ा ही सुंदर समय है। मुंडन के लिए भी बड़ा ही उत्तम समय है। दक्षिण की यात्रा आप 10:20 AM तक कर सकते हैं। उत्तर की यात्रा 4:40 के बाद आप उत्तर की यात्रा भी कर सकते हैं। तो आइए आज का राशिफल शुरू किया जाए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि आपके स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि वृश्चिक में, सूर्यदेव के साथ। सूर्यदेव भी अग्नि तत्व हैं, मंगल भी अग्नि तत्व हैं और वृश्चिक राशि जल तत्व है। ऐसे में आपको हिदायत दी जाती है वाहन सावधानी से चलाने की, हिदायत दी जाती है बहते जल में न नहाने की, हिदायत दी जाती है उच्च अधिकारियों से बहस न करने की, पुलिस सेवा से, पुलिसों से झंझट राय नहीं करने की। चंद्रमा आपके मिथुन राशि में है, 10:12 AM तक। 10:12 AM के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे कर्क राशि में, जो आपके चतुर्थ भाव की राशि है। तो कोई भी यात्राएं आपको अगर करनी हो तो 10:12 AM के पहले ही कर ले। 10:12 AM के बाद जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में चले जाएंगे तो यात्रा के लिए अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं होगा। यात्रा अगर जरूरी है तो 10:12 पहले आप यात्रा निकाल ले। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव बैठे हुए हैं आपके लग्न में, रेट्रोगेट हैं और बृहस्पति देव केतु के नक्षत्र में चले आए हैं। आपके राशि और लग्न के स्वामी मंगल अष्टम में है, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, जिसके स्वामी बृहस्पति आपके लग्न में है और केतु के नक्षत्र में है, केतु छठे में बैठे हुए हैं। आज के दिन किसी से झंझट राय नहीं करनी है, आपको शांति से जीवन व्यतीत करना है, बहते पानी में नहीं नहाना है, अग्नि से बचना है आपको, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है आपको। संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, जीवन साथी से लाभ होगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, बुद्धि आपकी काफ़ी तीव्र रहेगी, विदेश से अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन विदेश में निवेश करना कहीं से उचित नहीं होगा, तो सोच समझ के काम करें। 9:31 AM से लेकर 12:47 PM तक का समय, ये समय माता के लिए अच्छा समय है, माता से आपको लाभ होने जा रहा है। साथ ही साथ माता के साथ आप मंदिरों की यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक स्थान की यात्राओं
यात्रा कर सकते हैं। जो व्यक्ति शिपिंग के व्यापारी हैं, जो व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। जमीन जायदाद के कार्य करने वाले के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। सोच समझ के काम करें, या तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो बुद्धि का अप्लाई करें, आप बुद्धि से काम करें। बुद्धदेव आपके नवम में बैठे हुए हैं और केतु के ही नक्षत्र में है। बैंक से लोन वगैरह लेने की स्थिति में आप हैं तो लोन वगैरह न लें तो ज़्यादा अच्छा है। 10:12 AM के बाद चंद्रदेव का गोचर हो जाएगा कर्क राशि में, तो किसी भी तरह का यात्रा न करें। 12:47 PM से 4:40 PM तक का समय, ये समय आपका अच्छा नहीं है। लोभ में नहीं पड़ना है। कोई आदमी विदेश से ऑफर दे तो सोच समझ के करना है, लेकिन विदेश में निवेश आपको नहीं करना है। विदेश के निवेश से आप पूर्ण रूप से बचें और स्वास्थ्य पर अपना पूर्ण ध्यान दें। गलत काम की ओर भी अग्रसित हो सकते हैं आप, तो गलत काम से दूर रहें। 4:40 PM से चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, और शनि देव बैठे हुए हैं आपके 11th में राहु के नक्षत्र में। इस समय विदेशों से अच्छे लाभ हो सकते हैं आपको, विदेशों से अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको। जो संचार माध्यम से काम करते हैं आपको लाभ होगा, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं आपको लाभ होने जा रहा है। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है, बीमार हैं, आज हॉस्पिटल से बाहर आ सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा समय है। जो पॉलिटिशियन है, आपके लिए कहीं से अच्छा समय नहीं होगा। जो व्यक्ति महिला पॉलिटिशियन है, आपको लाभ होने की स्थिति है 4:40 PM से लेकर 9 PM तक। तो आज का दिन आपका मिला जुला दिन है मेष राशि वाले। विदेशों से हर काम को सोच समझ के करें। जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, आप भी सोच समझ के काम करें, लेकिन संचार माध्यम के काम से आपको लाभ होगा। जो कमीशन एजेंट का काम करते हैं आपको लाभ होगा, जो दवा का काम करते हैं नुकसान होगा। जो फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं पूरे दिन आपको लाभ होगा। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं, शुक्र चले गए हैं अपने घर में तुला राशि में, और शुक्र चित्रा नक्षत्र के हैं जिसके स्वामी मंगल आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। जीवन साथी से थोड़े से तनाव हो सकते हैं, लेकिन विशेष तनाव नहीं होगा। आज के दिन शुभ रंग है आपका पीला और शुभ अंक है आपका 8। शुक्रवार का दिन है। आज के दिन श्री सूक्तम का पाठ आप जरूर करें, श्री सूक्तम का पाठ करें और माँ काली के इस मंत्र का जाप करें। हौं काली महाकाली किली किली फट, हौं काली महाकाली किली किली फट, काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके मिथुन राशि में, जो 10:12 सुबह तक ही रहेंगे। मिथुन राशि आपके द्वितीय भाव की राशि है और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति देव आपके 12वें में बैठे हुए हैं, रेट्रोगेट हैं, केतु के नक्षत्र में है, तो ये बहुत अच्छा समय नहीं है। चंद्रमा 10:12 के बाद आपका तृतीय स्थान में चले जाएंगे कर्क राशि में और रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। विदेशों से आपको लाभ होगा, यात्रा का योग होगा, यात्रा से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। तो 10:12 के बाद आपके लिए अच्छा समय आ जाएगा। जो ट्रांसपोर्टिंग के व्यापारी हैं आपको काफ़ी लाभ होगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो पूजा का सामग्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारी के लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं काफ़ी अच्छा समय होगा। प्रशासन से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। जो दवा के व्यापारी हैं आपके लिए अच्छा समय होगा, लेकिन काम ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगा, लेकिन फिर भी अच्छा समय है। जो व्यक्ति मैथमेटिशियन हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जासूस हैं,
सीबीआई में है, विजिलेंस में है, आपके लिए समय काफी अच्छा होगा। बहुत सारे युवा युवती आज के दिन लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। जीवन साथी से थोड़े से तनाव रह सकता है आपको, इनकम के सोर्स अच्छे रहेंगे, अचानक धन का लाभ होगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ होने की स्थिति बनती है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से करें। 9:31 एएम से लेकर 12:47 पीएम तक का समय विदेशों से लाभ होने का समय है, जन्म स्थान से दूर में लाभ होने का समय है, नए काम नए प्रोजेक्ट शुरू करने का समय है, इस समय आपको लाभ होगा। जो इंपोर्टर हैं एक्सपोर्टर हैं आपको भी लाभ होने की स्थिति बनती है। जो इंश्योरेंस सेक्टर में है हर काम सोच समझ के करें, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर हैं आपके लिए अच्छा समय होगा। गुस्से को त्यागनी होगी, गुस्से से आपको दूर रहना होगा। काम में काफ़ी एक्टिवेट रहेंगे, कार क्षेत्र में आप काफ़ी एक्टिवेट रहेंगे। पैटर्नल प्रॉपर्टी से थोड़े से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। 10:12 एएम के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी तीसरे स्थान में चले जाएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर को इस समय काफ़ी लाभ होगा। 12:47 पीएम से लेकर 4:40 पीएम तक का समय, ये समय लाभ का भी है खर्च का भी है, लेकिन इस समय अच्छे रिजल्ट सुनने को मिलेंगे आपको। विदेशों से इस समय लाभ होने की स्थिति में आप पाएंगे। जो विदेशी इंश्योरेंस सेक्टर में है आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, जासूस हैं, सीबीआई में है, विजिलेंस में है, ईडी में है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय होगा। 4:40 पीएम से चंद्रदेव चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि हैं और शनिदेव अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, आपके कुंभ राशि में दशम स्थान पर। शनि राहु के नक्षत्र में है, राहु 11th स्थान में बैठे हुए हैं रेवती नक्षत्र में। तो 4:40 पीएम से लेकर 9 रात्रि तक का समय आपका बहुत अच्छा है। अचानक लाभ होंगे। जो केमिकल उद्योग से जुड़े हुए हैं, चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, जूते चप्पल के उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो बकरी पालन मछली पालन मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो 4:40 पीएम से लेकर रात्रि 9 तक का समय आपका काफ़ी अच्छा है। बस केवल एक चीज़ का ध्यान देंगे, गलत काम की ओर अग्रसित न होंगे। प्रभु आपको सब कुछ देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा समय आया हुआ है। आज के दिन शुभ रंग है आपका नीला और शुभ अंक है आपका 4। आज के दिन इस मंत्र का जाप 1008 बार इस बीज का जाप करें, श्रीम श्रीम श्रीम। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, इसका जाप 1008 बार आप जरूर करें। साथ ही साथ शुक्र के भी मंत्रों का जाप करें, ओम द्रौम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, ओम द्रौम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आप ही की राशि पर, जो 10:12 सुबह तक रहेंगे और चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में है और बृहस्पति देव बैठे हुए हैं रेट्रोगेट होके आपके 11वें स्थान पर। केतु के नक्षत्र में माता से लाभ होगा, घर परिवार से लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कन्या संतान से काफ़ी लाभ होने जा रहे हैं। जो छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षा दे रही हैं आपके लिए बेहतर समय होगा। जो ग्रोसरी के व्यापारी हैं, फूड ग्रेन्स के व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी हैं, संचार माध्यम से काम करते हैं, काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए।
जो व्यक्ति बेरोजगार हैं, आज के दिन रोजगार मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। महिलाओं से झंझट ट्राई न करें, जीवन साथी से आपको काफी लाभ होने जा रहा है। जो व्यक्ति इंजीनियर हैं, तकनीकी क्षेत्र में माहिर व्यक्ति हैं, आपका मांग काफी बढ़ेगा, कर्म क्षेत्र आपके काफी बली रहेंगे, आप काफी बुद्धिमान रहेंगे। बुध सप्तम स्थान में बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं, बुध केतु के ही नक्षत्र में है, काफी डिप्लोमेटिक भी रहेंगे आप। 9:31 एम से लेकर 12:47 पीएम तक का समय पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। पैटर्नल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट आपके कम होंगे, धन का संचय करेंगे आप, पैटर्नल प्रॉपर्टी में वृद्धि करेंगे आप, छोटे मोटे यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। कन्या से, कन्या संतान से काफी लाभ होगा, जीवन साथी से काफी लाभ होगा, पार्टनरशिप के व्यापार में काफी वृद्धि होगी। जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो विशेष करके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, क्या शानदार समय है आपका। 10:12 एएम के बाद चंद्रमा चले जाएंगे कर्क राशि में, जो आपके द्वितीय भाव की राशि है, समय और भी अच्छा आ जाएगा आपका। 12:47 पीएम से लेकर 4:40 पीएम तक का समय कर्म क्षेत्र आपके काफी बली रहेंगे, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर घूमेगा आपका, गलत काम की ओर भी आपका दिमाग अग्रसित हो सकता है, लेकिन काफी बुद्धिमान रहेंगे, काफी डिप्लोमेटिक रहेंगे आप। जो व्यक्ति नेता है, पॉलिटिशियन है, आपके लिए समय बहुत ही शानदार है। जो महिला पॉलिटिशियन है, आपके लिए समय ज्यादा शानदार है, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। 4:40 पीएम के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि देव आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, भाग आपका काफी प्रबल करेंगे। लेकिन चंद्रमा से शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मन आपका सुस्त रहेगा, बेचैन रहेगा, किसी काम को करने का मन नहीं करेगा, तो अपने बेचैनी को दूर करें, अपने लापरवाही को दूर करें और काम में लगें। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु दशम में बैठे हुए हैं, जुझारू बन जाएंगे आप, अपने काम को अंजाम दे के ही छोड़ेंगे। चर्म उद्योग वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो जूते चप्पल का काम करते हैं बहुत अच्छा समय है, जो केमिकल का काम करते हैं बहुत अच्छा समय है, जो मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पार्टनरशिप के व्यापार से काफी लाभ होगा, बुद्धि आपकी काफी तीव्र रहेगी। 4:40 पीएम से लेकर 9:00 रात्रि तक का समय, ये समय अच्छा समय है आपका। धार्मिक स्थान की यात्राएं कर सकते हैं, डूबे हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी से पूरे दिन आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से करें। आज के दिन शुभ रंग है आपका हरा और शुभ अंक है आपका 6। आज के दिन आप शिवालय जरूर जाएं, शिवलिंग पर 3 पीस उजला बतासा चढ़ावे और शिवलिंग को दही से अभिषेक करें, दही से शिवलिंग को अभिषेक करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम। साथ ही साथ माँ पार्वती के मंत्रों का जरूर जाप करें। ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धर्तम, ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धर्तम। काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 12वें स्थान पर मिथुन राशि में, जो 10:12 सुबह तक रहेंगे, तो 10:12 सुबह तक किसी भी यात्रा को आप अंजाम न दें, यात्रा से दूर रहें, यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है। 10:12 सुबह के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके कर्क राशि में,
अच्छा समय आ जाएगा, यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा समय आ जाएगा, शिपिंग के व्यापारी के लिए काफ़ी अच्छा समय आ जाएगा, जो पूजा पाठ का काम करते हैं काफ़ी अच्छा समय आ जाएगा, जो धर्म क्षेत्र में है, योग क्षेत्र में है, गवर्नमेंट से लाइजनिंग का काम करते हैं, टेंडर लेके काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा। वाहन सावधानी से चलाने की ज़रूरत है आपको, भाग आपका प्रबल रहेगा, भाग में कोई कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति विशेष करके तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। संतान की उन्नति होगी, संतान से आपको लाभ होगा, प्रशासन से लाभ होगा, पुलिस सेवा से आपको लाभ होने जा रहा है। लेकिन संतान को वाहन चलाने से रोकें, घटना दुर्घटना का योग बनता है। 9:31 AM से लेकर 12:47 PM तक का समय, यह समय आपके लिए 10:12 तक बहुत अच्छा नहीं है। 10:12 से लेकर 12:47 तक का समय बहुत अच्छा है, काफ़ी आप मस्त रहेंगे, हर तरफ से आपको खुशियां मिलेगी, घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे आप, जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होगा, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आपको काफ़ी लाभ होगा, जो दवा के व्यापारी हैं आपके लिए शानदार समय होने जा रहा है, जो प्रशासन में है, पुलिस में है, सेना में है, समय अच्छा है, जो फर्नीचर उद्योग से जुड़े हुए हैं, प्लाईवुड से जुड़े हुए हैं, केमिकल उद्योग से जुड़े हुए हैं, विद्युत उपकरण का काम करते हैं, सोलर एनर्जी का काम करते हैं, काफ़ी लाभ होने की स्थिति आपकी बनती है। माता से भी काफ़ी लाभ होगा, फैशन डिजाइनर जो हैं, मॉडलिंग जो करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, आपके लिए भी अच्छा समय है। जो लेखक हैं आपके लिए अच्छा समय है। 10:12 AM के बाद चंद्रमा गोचर करके चले जाएंगे आपके कर्क राशि में, आपके लग्न में चले जाएंगे, बहुत ही अच्छा समय आपका आ जाएगा। चंद्रमा पुनर्वसु के नक्षत्र के ही रहेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति देव आपके दशम में बैठे हुए हैं। आज के दिन जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, डेली झंझट लड़ाई होता रहा है, तो आप 10:12 के बाद पुनः किसी मंदिर में जाके शादी कर ले, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। जो व्यक्ति कोई काम को छोड़ चुके हैं, नहीं हो पा रहा था, आज के दिन काम शुरू करें, आपका काम होगा। तो 9:31 से लेकर 12:47 तक का समय अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलर वाले को भी लाभ होगा, पुलिस सेवा वाले को लाभ होगा, प्लाईवुड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले को लाभ होने जा रहा है, शिपिंग के कारोबारी के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा 10:12 सुबह के बाद। जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय होगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं सोच समझ के काम करेंगे, समय बहुत अच्छा नहीं है। 12:47 PM से लेकर 4:40 PM तक का समय, भाग आपका प्रबल रहेगा, गलत काम की ओर अग्रसर न हो, अपने हद में रह के काम करें, मंदिरों की यात्राएं जरूर करें, भगवान की पूजा जरूर करें। इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी के लिए अच्छा समय है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है आपके लिए अच्छा समय है, जो गवर्नमेंट से लाइजनिंग करते हैं आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा ये। 4:40 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, और शनि देव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हुए हैं। शनि सत्विशा नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी राहु हैं, राहु आपके बैठे हुए हैं नवम भाव में रेवती नक्षत्र में, और जिसके स्वामी रेवती नक्षत्र के बुध बैठे हुए हैं छठे में। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, 4:40 PM के बाद स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत है। वाहन लापरवाही से न चलावें, किसी को पैसे उधार न दें, पैर में चोट लगने की संभावनाएं हैं, पैर में दर्द रहने की संभावनाएं हैं, मन काफ़ी बेचैन रहेगा, काफ़ी सुस्त रहेंगे आप, तो ये समय थोड़े से संभल के काम करने का समय है। आज के दिन शुभ रंग है आपका उजला, और शुभ अंक है आपका 6। आज के दिन आप सबसे पहले शिवालय जाएं, शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध में केसर मिलावें
और धीरे धीरे उच्चराते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उग्वारुक्मिक बंधनाम मृत्युमोक्षे मामृताम। साथ में दही का भोग भी लगावे, माँ गौरी के भी मंत्रों का जाप करें। अयम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धर्थ है, काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, जो 10:12 एम तक रहेंगे। चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति देव आपके भाग में बैठे हुए हैं, केतु के नक्षत्र में है, केतु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, काफी लाभ होने का समय है आपका, हर क्षेत्र से आपको लाभ होगा, प्रशासनिक सेवा से लाभ होगा आपको, अपने उच्चाधिकारियों से लाभ होगा, यात्रा में लाभ होगा। लेकिन 10:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे, 10:12 सुबह के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके कर्क राशि में, जो आपके अष्टम भाव की राशि है, और चंद्रमा बृहस्पति के ही नक्षत्र में रहेंगे, जो इम्पोर्टर हैं एक्सपोर्टर हैं, विदेश से आपको अच्छा ऑफर्स मिल सकता है, जिससे आपको आगे चल के काफ़ी लाभ होगा। जो पब्लिशर हैं, किसी किताब को पब्लिश करते हैं, आपके लिए विदेश से काफ़ी अच्छा ऑफर मिल सकता है। लेकिन 10:12 सुबह के बाद किसी भी तरह का यात्रा न करें, यात्रा से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं, सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, सूर्य अनुराधा नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी शनि बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पर, जो हृदय रोगी हैं अपने खान पान दवा पर विशेष ध्यान रखेंगे। 9:31 एम से लेकर 12:47 पीएम तक का समय, ये समय शुरुआती तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में विदेश से ऑफर मिल सकते हैं। जो विदेशी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए लाभ होने की स्थिति बनती है। साथ ही साथ जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, जो सेना में है आपको लाभ होगा, जो दवा कंपनी में काम करते हैं, दवा के उच्च अधिकारी हैं दवा कंपनी के, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। 10:12 एम के बाद चंद्रमा चले जाएंगे कर्क राशि में, हर काम को संभल के करें, यात्रा ना करें। 12:47 पीएम से लेकर 4:40 पीएम तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है आपका। किसी को लोन न दें, हर काम को संभल कर करें, मान सम्मान में थोड़ी सी कमी हो सकती है, बुद्धि आपका सही ढंग से काम नहीं करेगा, संतान से थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान रहने के कारण आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो इस समय आपको होशियार और सावधान रहना है। 4:40 पीएम से चंद्रमा चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि है, शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, विदेश से आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। साथ ही साथ शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभ हो सकता है, डूबे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से करें। तो 4:40 पीएम से लेकर 8:47 पीएम तक का समय, पार्टनरशिप के व्यापार से लाभ होगा, लोहे के कारोबारी को लाभ होगा, जो माइंस और मिनरल्स का काम करते हैं आपको लाभ होगा, जो तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय है। आज के दिन शुभ रंग है आपका गुलाबी और शुभ अंक है आपका 3। आज के दिन आप सूरज को जल चढ़ावें। ओम ह्रां घ्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रां घ्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तथा श्री सूक्तम का पाठ आज के दिन आप जरूर करें, धन की प्राप्ति होगी, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि चंद्रदेव आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, जो 10:12 सुबह तक रहेंगे, और चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी आपको। स्वास्थ्य में किसी भी तरह का लापरवाही आपके लिए अच्छी बात नहीं है, तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान दें। बृहस्पति देव आपके
सप्तम स्थान के स्वामी हैं, बृहस्पति देव आपके सुख भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति देव अष्टम में बैठे हुए हैं। सुख भाव से बृहस्पति देव पंचम में बैठे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन से बृहस्पति देव द्वितीय में बैठे हुए हैं। तो जीवन साथी से लाभ तो होगा लेकिन जीवन साथी से नाराजगी आपकी बरकरार रहेगी। माता से आपको लाभ होगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काफी बुद्धिमान रहेंगे आप। जो व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में है आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ने वाला है। जो व्यक्ति विशेष करके ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, जूते चप्पल का व्यापार करते हैं, चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, मुर्गी पालन मछली पालन बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। 10:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके कर्क राशि में, समय और आपका अच्छा आ जाएगा। 10:12 के बाद जो व्यक्ति शेयर सट्टा लॉटरी का काम करते हैं अचानक लंबा लाभ होगा आपको। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से करें। 12:47 PM से लेकर 4:40 PM तक का समय, इस समय जीवन साथी से थोड़े से तकरार रह सकते हैं, पार्टनरशिप के व्यापार थोड़े से रुक सकते हैं, आपके पार्टनर पर आपको शक हो सकता है, मन आपका विचलित रह सकता है, तो थोड़े से संयम से काम लें आप। 4:40 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि हैं और शनि देव बैठे हुए हैं आपके छठे स्थान पर, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, राहु देव बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पर, शत्रुओं का पूर्ण समन होगा, जो आपसे शत्रुता निभाएंगे उनका पूर्ण समन होगा, नतमस्तक होंगे आपके सामने। जीवन साथी से भी आपको इस समय लाभ होने वाला है, डूबे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, नए बोनस मिल सकते हैं, संतान को लाभ हो सकता है, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं सोच समझ के काम करेंगे, जो दवा के व्यापारी हैं आप भी सोच समझ के काम करेंगे, नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, बढ़े हुए पराक्रम से किसी से भी झंझट ट्राई कर सकते हैं आप, तो उससे बचें। जो नेता हैं काफी बुद्धिमान डिप्लोमेटिक रहेंगे आप, जनता से आप इतना डिप्लोमेटिक बात करेंगे कि जनता पुनः आपके सपोर्ट में हो जाएंगे। जो महिलाएं नेता हैं आपके लिए भी काफी अच्छा समय होगा। आज के दिन शुभ रंग है आपका उजला और शुभ अंक है आपका 5। आज के दिन श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें आप तथा शुक्र के मंत्रों का जाप करें। ओम द्रौम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम द्रौम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ। तुला राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके भाग भाव में, मिथुन राशि में भाग आपके काफी प्रबल हो रहे हैं, यात्रा का योग शानदार है, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के हैं जिसके स्वामी बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र के हैं, अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु आपके बाढ़ में बैठे हुए हैं, तो विदेश से आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं, विदेश से नौकरी का ऑफर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। 10:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके कर्क राशि में, जो आपके दशम भाव की राशि है और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के ही रहेंगे। नौकरी लगने की संभावनाएं विदेश में है, जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार समय है, अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं आपको, काम धाम में काफी व्यस्त रहेंगे, थकावट महसूस करेंगे काम धाम में। 9:31 AM से लेकर 12:47 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफी अच्छा है, काम धाम के सिलसिले में काफी लाभ होगा, उच्चाधिकारी से काफी आपको सहयोग मिलेगा, वाणी काफी कठोर रहेगी आपकी, आदेश देने वाली वाणी ज्यादा रहेगी, तो वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी आपको। जमीन जायदाद के व्यापारी के लिए समय काफी अच्छा है,
जो दवा के कारोबारी हैं, डॉक्टर हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, कमीशन एजेंट से काम करते हैं, संचार माध्यम से काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। शिपिंग के व्यापारी के लिए समय काफ़ी अच्छा होगा, टूर एंड ट्रेवल्स वाले के लिए समय काफ़ी अच्छा होगा, संतान को काफ़ी लाभ होने की स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन संतान आपके थोड़े से भ्रमित रहेंगे। 10:12 एम के बाद चंद्रमा चले जाएंगे कर्क राशि में, जो आपके भाग भाव आपके दशम स्थान की राशि है, कर्म भाव की राशि है। काम धाम के सिलसिले में आपका दौड़ धूप ज़्यादा बना हुआ रहेगा। 12:47 पीएम से लेकर 4:40 पीएम तक का समय हर काम को सोच समझ के करें। ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपका, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। व्यापार जो करते हैं किसी पे विश्वास न करें, विश्वास करने पर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। 4:40 PM से चंद्रमा चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि हैं और शनिदेव आपके पंचम में बैठे हुए हैं सतविशा नक्षत्र में। तो 4:40 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय सोच के समझ के काम करना है। अपने से, बड़ों से, अपने परिवार से हर काम का आपको डिस्कशन कर लेना है। किसी भी काम को शुरू करने में विदेश से आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन विदेश में इस समय निवेश आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज के दिन शुभ रंग है आपका चमकीला और शुभ अंक है आपका 2। आज के दिन आप सबसे पहले श्री सूक्तम का पाठ करें, इसके बाद माँ काली के मंत्रों का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि। काफी लाभ होने जा रहा है आपको, दिन आपका शुभ। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, जो 10:12 सुबह तक रहेंगे। तो 10:12 सुबह तक किसी भी तरह का यात्रा को अंजाम न दे, यात्रा से दूर रहे, मन काफ़ी बेचैन रहेगा, नए काम करने की शुरुआत न करें, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। 10:12 सुबह के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके भाग भाव में और चंद्रमा रहेंगे बृहस्पति देव के नक्षत्र में। बृहस्पति देव आपके बैठे हुए हैं 6 स्थान पर, बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र वाले को काफ़ी लाभ होगा। जो धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं, आपके लिए अच्छा समय है। विदेश जाने के भी अच्छे सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनिदेव चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, माता से आपके संतान को लाभ होने जा रहा है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। पैटर्नल प्रॉपर्टी में आपके संतान को लाभ होगा। मंगल सूर्य बैठे हुए हैं आपके लग्न में, दोनों शनि के नक्षत्र में हैं, तो माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी आपको। गुस्से में थोड़े से ज्यादा रहेंगे आप, किसी की बात को नहीं मानेंगे, आदेश देने की भावनाएं ज्यादा होंगी आपको। जो फिल्मों में काम करते हैं आपको लाभ होगा, खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी। जमीन जायदाद खरीदने का प्रबल योग है आपको। 9:31 एम से लेकर 12:47 PM तक, 10:12 एम तक आप यात्रा पर न जाएं। 10:12 एम के बाद चंद्रमा चले जाएंगे कर्क राशि में, तो आप यात्रा कर सकते हैं, हर तरह से आपको लाभ होगा, भाग भी आपका काफ़ी प्रबल रहेगा। जो व्यक्ति विशेष करके प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। जो स्टोन चिप्स का काम करते हैं, जो दवा का काम करते हैं, जो पुलिस में है, सेना में है, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर वाले के लिए समय काफ़ी अच्छा है। धन का संचय करेंगे आप, व्यापार से काफ़ी लाभ होगा आपको, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च की अधिकता से आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। 12:47 PM से लेकर 4:40 PM तक का समय
ये समय संतान पे थोड़े से ध्यान रखने हैं, संतान को थोड़े से नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, संतान का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, संतान के विदेश जाने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं, संतान के रिजल्ट्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। 4:40 PM से चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, और शनि देव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में जो आपके चतुर्थ भाव की राशि है, चंद्रमा से अष्टम में शनि बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य पे थोड़े से ध्यान देने हैं, ट्रांसपोर्टिंग वाले को काफ़ी लाभ होने वाला है। जो व्यक्ति विशेष करके लोहे का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। 4:40 PM से लेकर रात्रि 9 बजे तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आज के दिन शुभ रंग है आपका गुलाबी और शुभ अंक है आपका 4। आज के दिन आप शिवालय जरूर जाएं, शिवलिंग पर बतासे का भोग लगावे, दही से शिवलिंग को अभिषेक करें, गन्ने का रस चढ़ावें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम। साथ ही साथ शिव परिसर में ही बैठकर श्री सूक्तम का पाठ आप जरूर करें, काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। धनुराशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पर मिथुन राशि में, जो 10:12 सुबह तक ही रहेंगे। तो धनु राशि वाले, अगर आपको यात्रा करनी है तो 10:12 के पहले ही यात्रा कर लें, 10:12 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अष्टम में, तो यात्रा में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी यात्रा है तो 10:12 के पहले अपनी यात्रा को निकाल लें आप, लाभ होगा आपको। चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, बृहस्पति देव पंचम में बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में, संतान के लिए अच्छा समय है, संतान आपके विदेश जा सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, विदेश जा सकते हैं, जिनके संतान बेरोजगार हैं विदेशों में नौकरी मिल सकता है, जमीन जायदाद के व्यापारी के लिए अच्छा समय नहीं होगा, जो स्टोन चिप्स का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा, जो माइंस मिनरल्स का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा, लेकिन जो विदेशों में प्लाईवुड को सप्लाई करते हैं, लकड़ी और फर्नीचर को सप्लाई करते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। दवा के व्यापारी सोच समझ के काम करें, पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की 10:12 के बाद ध्यान देने की ज़रूरत है। शिपिंग के व्यापारी के लिए अच्छा समय नहीं होगा, टूर एंड टूरिज्म वाले के लिए अच्छा समय नहीं होगा, मन आपका काफ़ी बेचैन रहेगा, कोई भी बिजनेस सही ढंग से आपके नहीं चल सकते हैं। हालांकि स्कूल के काम से आपको लाभ हो सकता है, एजुकेशन के काम से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन काफ़ी विचलित नजर आएंगे आप। 9:31 AM से लेकर 12:47 PM तक का समय, ये समय 10:12 तक का तो आपका अच्छा है, लेकिन 10:12 सुबह के बाद ये समय खराब हो जाएगा। संतान से आपको काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े से दुखी रहेंगे आप, धर्म पर से भी विश्वास आपका उठा हुआ रहेगा। प्रॉपर्टी डीलर वाले के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। 10:12 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे कर्क राशि में, जो आपके अष्टम भाव की राशि है, किसी भी तरह का यात्रा न करें। 12:47 PM से लेकर 4:40 PM तक का समय, माता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, आपको काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे। जो व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं आपकी काफ़ी पूछ होगी, जो शेयर सट्टा लॉटरी का काम करते हैं आपके लिए काफ़ी शानदार समय होगा, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से करें। अचानक धन का लाभ हो सकता है आपको, तो ये समय बुरा नहीं है आपका, विदेश जाने का प्रबल योग है। जो तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं,
सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जानकार हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो किताब कॉपी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए उचित समय है। 4:40 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के स्वामी हैं, तृतीय स्थान के स्वामी हैं। शनि तृतीय स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, राहु आपके चतुर्थ में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। विदेश से आपको इस समय लाभ होगा। जो टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं सोच समझ के काम करें, जो शिपिंग का काम करते हैं सोच समझ के काम करें, जो लोहे का काम करते हैं, जो व्यक्ति माइंस और मिनरल्स का काम करते हैं, आपके लिए समय अच्छा होगा। लेकिन हर काम में आज विचारणीय स्थिति बनाकर ही काम करें, अस्त्र शस्त्र से बच कर रहें, शत्रु ज़्यादा प्रबल रहेंगे, महिलाएं भी आपकी शत्रु हो सकती हैं। 4:40 PM चंद्रमा चल जाएंगे शनि के नक्षत्र में। तो 4:40 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय, ये समय बुरा नहीं रहेगा आपका, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। पुलिस उलिस से आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, हर बात की काट है आपके पास। आज के दिन शुभ रंग है आपका हरा और शुभ अंक है आपका 6। आज के दिन आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले ओम द्रौम द्रिम द्रौम स शुक्राय नमः, ओम द्रौम द्रिम द्रौम स शुक्राय नमः। साथ ही साथ शिव परिसर में बैठकर या अपने घर के मंदिर में बैठकर श्री सूक्तम का 3 बार पाठ करें और लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 1008 बार करें। श्रीम श्रीम श्रीम, काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 6 स्थान पर मिथुन राशि में और चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है। जो व्यक्ति बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन चंद्रमा 10:12 सुबह तक ही रहेंगे आपके 6 स्थान पर। 10:12 सुबह के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके 7 स्थान पर कर्क राशि में और पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। जिन व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा खराब है, 10:12 के बाद पुनः मंदिर में जाएं और एक दूसरे के गले में माला डालें, पुनः शादी करें, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति कुछ व्यापार को छोड़ चुके थे कि आपसे संभव नहीं है, नहीं हो रहा है, जो व्यक्ति गवर्नमेंट से टेंडर लेने में असफल थे, आज के दिन आप प्रयास करें, आपको काफी लाभ होगा, आपका काम पूर्ण होगा। प्रशासनिक सेवक के लिए काफी अच्छा समय होगा। जो दवा के व्यापारी हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, कैश क्रॉप का काम करते हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग में हैं, फिल्म में काम करते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाती हैं, आपके लिए समय अच्छा है। जो संचार माध्यम से काम करते हैं, विदेश से लाभ होगा। जो कमीशन एजेंट का काम करते हैं, समय अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति विशेष करके फूड ग्रेन्स का काम करते हैं, ग्रोसरी का काम करते हैं, सोच समझ के काम करें, आज के दिन आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, विदेश से थोड़े से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। जो किताब कॉपी का काम करते हैं, विदेश से सप्लाई करते हैं, विदेश से इम्पोर्ट करते हैं, विदेश से एक्सपोर्ट करते हैं, आपके लिए समय अच्छा होगा, बुद्धि काफ़ी आपकी प्रबल रहेगी। 10:12 के बाद चंद्रमा गोचर करके चले जाएंगे आपके 7 स्थान में कर्क राशि में और चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में ही रहेंगे। माता से आपको लाभ होने जा रहा है, भाग आपका प्रबल रहेगा, माता के साथ धार्मिक स्थान की यात्राएं कर सकते हैं, पूरे परिवार के साथ धार्मिक स्थान की यात्राएं कर सकते हैं। सरकार से आपको काफ़ी लाभ होगा, इंश्योरेंस सेक्टर वाले को काफ़ी लाभ होगा। 12:47 PM से लेकर 4:40 PM तक का समय, यह समय आपका पराक्रम ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। जो धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं,
आपके लिए अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं, आपके लिए अच्छा समय होगा। प्रॉपर्टी का संचय करेंगे आप, प्रॉपर्टी में को बढ़ाएंगे आप, पैसे को जमा करेंगे, पैसे का संचय करेंगे, विदेशों से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके, जो मशीनरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो केमिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आपको विदेशों से आज के दिन काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। जो व्यक्ति वकील हैं, आपके लिए अच्छा समय है। जो व्यक्ति माननीय जज हैं, आपके लिए भी समय अच्छा है। प्रशासनिक अधिकारी के लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। 4:40 PM से चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, जो द्वितीय भाव की राशि है। शनि सत्विशा नक्षत्र में है, जिसके स्वामी राहु आपके तीसरे में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बुरा नहीं है। इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, धन को संचय करने के लिए अच्छा समय है। काफ़ी पेशेंस रहेगा आप में, तो पेशेंस वाले रहेंगे आप। जो व्यक्ति विशेष करके शिपिंग का व्यापार करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का व्यापार करते हैं, आपके लिए समय अच्छा होगा। आज के दिन शुभ रंग है आपका चमकीला और शुभ अंक है आपका 8। आज के दिन आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें। ओम द्रौम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। ओम द्रौम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। साथ ही साथ श्री शुक्तम का 3 पाठ करें और इस मंत्र का जाप जरूर करें। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। काफी लाभ होगा, काफी बोल्ड रहेंगे, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान पर। 10:12 सुबह तक हैं, 10:12 सुबह तक काफी अच्छा समय रहेगा। 10:12 सुबह के बाद चंद्रमा चले आएंगे कर्क राशि में। चंद्रमा रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसके स्वामी बृहस्पति आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। धन का लाभ होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी से लाभ होगा, लेकिन शत्रुओं का इजाफा होगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, मन आपका थोड़ी से बेचैन रह सकता है। काफी धार्मिक होने के बाद भी बेचैनी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। शुक्रदेव चले गए हैं अपने ही राशि में, तुला राशि में, जो आपके नवम भाव की राशि है। शुक्रदेव आपके चित्रा नक्षत्र के हैं, मंगल के नक्षत्र में है। तो जो व्यक्ति अनदर अफेयर्स में है, अनैतिक संबंध से जुड़े हुए हैं, अपने आप को रोकें, वरना आपके लिए बुरा समय ज़्यादा चालू हो जाएगा। शनि की सारे साथी भी चल रही है, शनि आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, शनि आपके राहु के नक्षत्र में है, राहु आपके द्वितीय में बैठे हुए हैं, तो आप गलत संबंध से एकदम दूर रहें, गलत काम से एकदम दूर रहें। जो व्यक्ति वकील हैं, आपके लिए शानदार समय है। जो व्यक्ति माननीय जज हैं, आपके लिए शानदार समय है, लेकिन मन आपका थोड़ा सा बेचैन रहेगा। अनवांटेड फियर से आप ग्रसित रहेंगे, तो प्रशासन से भी लाभ मिलेगा, पुलिस से भी लाभ मिलेगा, मान सम्मान आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, काफी बुद्धिमान रहेंगे आप। वाणी में आपकी काफी डिप्लोमेटिक वाणी रहेगी, लेकिन वाणी थोड़ी सी अभद्र भी हो सकती है। 9:31 AM से लेकर 12:47 PM तक का समय संतान के लिए ये समय अच्छा है। 10:12 तक, 10:12 के बाद संतान के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं इस समय, शत्रु आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं इस समय, तो ध्यान देने की जरूरत होगी आपको। 10:12 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके सप्तम में, तो 10:12 के बाद हर काम को सोच के, समझ के, स्थिर से, संयम से करें आप। 12:47 PM से लेकर 4:40 PM तक का समय, यह समय थोड़े से पराक्रम आपके घट सकते हैं, मन बेचैन रह सकता है। संतान के लिए थोड़े से आपको बेचैनी बढ़ सकती है, वाणी में अभद्रता रह सकती है,
मन काफी बेचैन रह सकता है आपका, तो ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है मेंटली। बाकी समय अच्छा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आदमी की सोच जो है कहीं से कहीं चली जाती है, जिसके कारण बेचैनी बढ़ती है। 4:40 PM से चंद्रमा चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, शनि की सरस्वती आपको चल रही है, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की प्रबल जरूरत है। लेकिन पर्टनल प्रॉपर्टी में थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, भाई से थोड़े ज्यादा लाभ हो सकता है, थोड़े से गुस्से में रह सकते हैं। मंगल आपके दशम में बैठे हुए हैं, चतुर्दृष्टि से मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं जहां शनि बैठे हुए हैं, तो थोड़े से गुस्से में आप रहेंगे, कुछ ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। तो सावधानी से काम करें, समय अच्छा है आपका, लेकिन दिमाग थोड़ा सा आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगा, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत होगी। आज के दिन शुभ रंग है आपका हरा और शुभ अंक है आपका 8। आज के दिन आप शिवालय जरूर जाए, वहां दही से शिवलिंग को अभिषेक करें, उजला बताशा चढ़ावें और इस मंत्र का जाप करें। ओम जुं शह मा पाले पाले, ओम जुं शह मा पाले पाले, ओम जुं शह मा पाले पाले, तथा माँ गौरी के भी मंत्रों का जाप करें और श्री सूक्तम 3 पाठ करें। श्री सूक्तम का शिव परिसर में ही काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर मिथुन राशि में, 10:12 तक चंद्रमा चतुर्थ स्थान पर आपके रहेंगे, तो 10:12 तक किसी भी तरह का यात्रा पर आप ना जाएं। माता से आपको लाभ मिलेगा, चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ मिलेगा। 10:12 सुबह के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा आपका। संतान से बेहद ही लाभ मिलेगा, संतान को काफी लाभ मिलेगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, वाणी आपकी काफी धार्मिक रहेगी, लेकिन कटाक्ष आप करेंगे ही करेंगे, कूटनीति वाली वाणी बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन धर्म के प्रति काफी आस्था रहेगी, धार्मिक वाणी भी बोल सकते हैं आप। 9:31 AM से लेकर 12:47 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। माता से लाभ होगा, संतान से आपको लाभ होगा, संतान का मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर वाले के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जो फूड ग्रेन्स का काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जो ग्रोसरी का काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जो जमीन जायदाद का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जो डॉक्टर हैं विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, जो पुलिस सेवा में है आपके लिए बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन हो सकता है आपका। 10:12 के बाद चंद्रमा का गोचर हो जाएगा कर्क राशि में, जो आपके पंचम स्थान की राशि है, समय काफी अच्छा रहेगा आपका। 12:47 PM से लेकर 4:40 PM तक का समय, ये समय थोड़े से आपको मन बेचैन रह सकते हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर मन बेचैन हो सकता है आपका, वाणी में थोड़ी सी अशुद्धता रह सकती है, लेकिन काफी बुद्धिमान रहेंगे आप। जो तकनीकी व्यक्ति हैं जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान रहेंगे, और जरूरत से ज्यादा बुद्धिमानी भी उचित नहीं है, लेकिन लाभ होगा आपको। जो ग्रोसरी के व्यापारी हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, जो फूड ग्रेन्स के व्यापारी हैं, जो किताब कॉपी का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, संचार माध्यम से काम करते हैं, शानदार समय है आपका। पार्टनरशिप के व्यापार से भी शानदार लाभ होगा। 4:40 PM से चंद्रमा चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि है, शनि आपके 12वें में बैठे हुए हैं, शनि की सरस्वती चल रही है, शनि राहु के नक्षत्र में है, मन काफी बेचैन रहेगा, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, बेचैनी की आलम आपको ज्यादा रहेंगे, लेकिन आप इतने ज्यादा बुद्धिमान रहेंगे कि अपने हर काम बेचैनी के बावजूद आसानी से सॉल्व करेंगे, बुद्धि की प्रकाष्ठा आप में रहेगी, तकनीकी क्षेत्र में काफी माहिर आदमी आप रहेंगे। तो 4:40 से लेकर 8:47 तक का समय थोड़े से पेशेंस का समय होगा, विदेश से लाभ हो सकता है, शनि काफी प्रबल रहेंगे आपके,
शनि की सारे साथी है, शनि राहु के नक्षत्र में, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, गलत काम से दूर रहें, गलत काम की ओर अग्रसर न हो। लेकिन जो चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो केमिकल उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। दुश्मनों का समन करेंगे, जो भी आपसे दुश्मनी निकालेगा बैठे बैठे उसका समन हो जाएगा। जो व्यक्ति ज्योतिषी हैं, आपके लिए समय अच्छा है। जो फिल्मों में काम करते हैं, पूरा दिन समय अच्छा है। शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में खर्च की अधिकता रहेगी। महिलाओं से झंझट राय आपको काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी तरह का वैध संबंध आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो दिन आपका अच्छा है, आज के दिन शुभ रंग है आपका उजला और शुभ अंक है आपका 5। आज के दिन आप श्री सूक्तम का ही पाठ करें और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री म्रीम शिव कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री म्रीम शिव ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशिफल के श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।